करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरिओम। हरिओम गुरु जी। धन हानि से बेटा परेशान रहते हो, जितना पैसा कमाया उससे ज्यादा आपने गंवा दिया होगा, कर्ज आपके ऊपर हो चुका है और पिछले एक वर्ष में आपने बहुत ज्यादा धन की हानि झेली है बेटा। जी गुरु जी, ठीक है। कुछ बेटा शेयर मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं रहता आपका? हाँ गुरु जी, कमोडिटी की ट्रेडिंग करी थी मैंने एक बार, उसमें पैसा एकदम से उछाल आ गया था मार्केट में, करीब उस समय तो 3 से 4 लाख रुपए एक ही बार में चला गया था एक दिन में। बेटा एक बात बोल दूं आपको मैं? जी गुरु जी बोलिए। आप ज्यादा इधर उधर भागना बंद कर दीजिए और शॉर्टकट में पैसा कमाने के बारे में अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सही मार्ग पर चलें। आपको कभी भी शेयर मार्केट में धन लाभ नहीं मिलेगा, कभी अचानक धन की प्राप्ति नहीं होगी और इस प्रकार की उम्मीदें आपके जीवन को बेटा पूरी तरह से प्रभावित कर देंगी। आप अपने काम धंधे पर ही बेटा ध्यान लगाओ, लेकिन शेयर मार्केट में कभी किसी को पैसा नहीं लगाना, कमोडिटी में पैसा लगाना और तो और किसी की जिम्मेवारी मत लेना, किसी को पैसा अपने हाथ से उधार भी मत देना, नहीं तो आपका दिया हुआ पैसा भी वापस नहीं आएगा। आपको बेटा कुछ उपाय करने हैं, उसको बड़े ध्यान से सुन लो। एक तो हर शुक्रवार को थोड़े चमेली के फूल और गंगा जल, ये शुक्रवार के दिन मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ाया करो, ये आपको उपाय करने हैं। बुधवार के दिन आपको उपले का दान करना है, जो गोबर के उपले होते हैं बेटा, वो खरीद कर किसी गरीब व्यक्ति को दान किया करो, ये महीने में एक बार कर दिया करो, आपको इससे बेटा बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा बेटा आपको करना क्या है, कर्ज से मुक्ति के लिए, बरकत के लिए, थोड़ी ताज़ी हरी दूर्वा रोज बेटा थोड़ी आपको अपने हाथ से कहीं से लेनी है, पार्क से तोड़नी है, गंगा जल कच्चे दूध से धो के मंदिर में जाके उसको बेटा गणेश जी को बेटा आपने चढ़ाना है, ये उपाय शुरू कर दो। शुद्ध पन्ना रतन एक अवश्य आप धारण करना, जिससे बुद्धि भी आपकी नियंत्रित रहेगी और सकारात्मक रहेगी। और वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर बेटा आपको सतनजा दान करना है, शनिवार के दिन शनि मंदिर में। एक बात का और ध्यान रखना, कभी ना तो शराब आपने पीनी है, ना अपने पैसे से किसी को शराब पिलानी है बेटा, इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना। और अपनी पत्नी को बोलना कि रात को घर में रसोई और जूठे बर्तन बिल्कुल साफ करके सोएं।